हेलो गाइस, तो गाइस यार आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ लोकी क्राफ्ट के अपडेट में हमें क्या क्या मिला है। लोकी क्राफ्ट 1.50 वाला जो अपडेट आया है उसमें हमें क्या क्या नई चीजें देखने को मिले, कौन से मॉब्स ऐड हुए हैं। तो गाइस यार सबसे पहले तो मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, वहाँ पे सर्च किया लोकी क्राफ्ट, और गाइस यार यहाँ पे मैंने देखा कि लोकी क्राफ्ट का अपडेट आ चुका है, तो मैंने जल्द ही लोकी क्राफ्ट को अपडेट कर लिया। उसके बाद तब तक लोकी क्राफ्ट अपडेट होता है जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यार हमारा लोकी क्राफ्ट अपडेट हो चुका है, अब इंस्टॉल होने के बाद हम इस पे प्ले पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमारा लोकी क्राफ्ट ओपन होता है मैंने अलो पे क्लिक किया, और उसके बाद हमारा लोकी क्राफ्ट वो भी अपडेटेड वाला ओपन हो चुका है। तो गाइस यार ये हमारा टेक्सचर चेंज हो चुका है लोकी क्राफ्ट का। न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या नई चीज़ें मिली है इस लोकी क्राफ्ट में। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमारा जो ये बीच वाला जो आइकॉन है प्लस वाला होता था, ये एक डब्बे टाइप का आइकॉन बन चुका है और इसमें बीच में एक डॉट भी है। और उसके बाद हम लोग कोई सी अच्छी जगह पे देखते हैं, तो गाइस यार वो सामने जो प्लेन्स वाली जगह दिख रही है उस जगह पे जाके हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन से नए नए मॉब्स ऐड हुए हैं और कौन सी नई नई थिंग्स जो है वो लोकी क्राफ्ट में ऐड हुई है। उसके बाद सबसे पहले हम ब्लॉक्स में देखते हैं कौन से जो ब्लॉक्स है वो नए ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे तो कोई नया ब्लॉक दिख नहीं रहा है वैसे। तो गाइस यार यहाँ पे मुझे एक एंड स्टोन वाला ब्लॉक मिला है। तो गाइस यार इसका मतलब ये है कि हमारे लोकी क्राफ्ट में जल्द ही एंड सिटी और एंडर ड्रैगन और इलाइट्रा वगैरह भी ऐड होने वाले हैं। तो गाइस यार इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी नए सारे जो ये ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या मिलता है। और यहाँ पर तो कुछ ऐसा नया दिख नहीं रहा है गाइस, तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम। और गाइस यार विदर स्केलेटन स्कल, तो गाइस यार अब आप लोग देख सकते हो कि विदर स्केलेटन का स्कल भी आ चुका है। तो मतलब हम लोग विदर को स्पॉन करके देखते हैं, हो सकता है इसमें विदर स्पॉन हो जाए। तो ये हमारा सोल सेंट, और इसके बाद हम लोग विदर का स्पॉन करने का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं विदर स्केलेटन के स्कल्स। तो गाइस यार देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमारा विदर स्पॉन हो पाएगा। तो गाइस यार जब तक मैं विदर को स्पॉन करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस यार हम लगाते हैं, तो गाइस यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, विदर तो हमारा स्पॉन होने से रहा। लोकी क्राफ्ट वाले इतनी जल्दी थोड़ी दे देंगे अपडेट। तो गाइस यार अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ें कि हमें क्या मिला है और नई चीज़ें। तो यहाँ पे तो विदर स्केलेटन स्कल मिला था और बाकी और कुछ नया नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाले में, तो हम देखते हैं कौन से नए मॉब्स ऐड हुए हैं, क्योंकि आर्मर तो सारे पुराने वाले हैं। तो मॉब्स हम लोग देखते हैं कि रेबिट वगैरह ये तो सारे पुराने हैं, एंडरमैन भी था पहले लोकी क्राफ्ट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विदर स्केलेटन, तो गाइस यार हम लोग विदर स्केलेटन को स्पॉन भी कर सकते हैं लोकी क्राफ्ट में है मतलब वो। और आप लोग देख सकते हो ये हमसे कितना बड़ा है, ये 3 ब्लॉक की हाइट वाला मॉब है और हम 2 ब्लॉक की हाइट वाले हैं। उसके बाद हम लोग और सारे मतलब देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हो 3 ब्लॉक की हाइट है उसकी। और हम लोग देख लेते हैं कि और मॉब्स कौन से नए ऐड हुए हैं, तो ये है स्ट्रे। तो गाइस यार अब स्ट्रे भी ऐड हो चुका है लोकी क्राफ्ट में, पहले स्ट्रे नहीं होता था, सिर्फ स्केलेटन होता था। तो हम इसे मतलब किसी और दूसरी जगह में उस स्पॉन करके देखते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस यार ये स्ट्रे, ये तो गाइस यार ये स्ट्रे जो है हमारा नॉर्मल स्केलेटन से ज़्यादा ग्लो करता है, मतलब ये ना स्नो टाइप का है तो उस टाइप का ही है। तो अब दूसरे मॉब्स देख लेते हैं, ये केव्स स्पाइडर है ये जो न्यू ऐड हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ नॉर्मल स्पाइडर हुआ करती थी लोकी क्राफ्ट में, और अब है हमारी केव स्पाइडर। तो गाइस यार आपको पता होगा कि केव स्पाइडर जो होती है ना वो नॉर्मल स्पाइडर से ज़्यादा मतलब डैमेज देती है हमें। ये हमारी नॉर्मल स्पाइडर और केव स्पाइडर, तो इन दोनों में गाइस आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। केव स्पाइडर जो होती है वो बहुत छोटी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू जो मॉब्स है, तो और तो कोई न्यू मॉब नहीं दिख रहा है, और आर्मर भी हमारा वैसा का वैसा ही है। तो हम पोशन वाले इसमें देखते हैं कि और कुछ न्यू ऐड हुआ है क्या। तो गाइस यार ये जो पोशन वगैरह दिख रहे हैं ये तो सारे वैसे ही है जो पुराने थे, और एन्चेंटमेंट बुक्स भी ऐसी है। और हम लोग चेस्ट प्लेट, तो गाइस यार ये क्या हुआ, हमने तो अब नोटिस किया कि हमारा जो कैरेक्टर है वो स्टीव वाला हो चुका है, मतलब लोकी क्राफ्ट में भी अब जेरी को हटा के स्टीव ला दिया इन लोगों ने। हमें जेरी कितना अच्छा लगता था गाइस, मतलब जेरी की कोई भावना ही नहीं। तो गाइस यार
आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको लोकी क्राफ्ट की अपडेट वाली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हमें बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।